हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स के बारे में। ऐसे 16 मिनी कॉर्बेट्स बनने हैं फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जब आज से 5 दिनों पहले कोचिन शिपयार्ड में इसकी स्टील कटिंग हुई, स्टील कटिंग सेरेमनी, तो अब ये एक अच्छा संकेत है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले कुछ सालों में ये 16 के 16 कॉर्वेट्स, मिनी कॉर्वेट्स इंडियन नेवी को मिल जाएंगे। इसका जो एग्रीमेंट है वो 2019 को हुआ था। पहला एग्रीमेंट 29 अप्रैल को हुआ था 2019 को विथ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, आई मीन बिटवीन इंडियन नेवी एंड कोचिन शिपयार्ड। तो इसमें से 8 जो है वो कोचिन शिपयार्ड बनाएगा और जो बाकी 8 है वो गार्डन रीच कलकत्ता बनाएगा, क्योंकि 30 अप्रैल को एक दूसरा एग्रीमेंट भी हुआ बिटवीन गार्डन रीच एंड इंडियन नेवी। तो इस तरीके से ये कुल 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट्स बनेंगे फॉर शैलो वाटर। ये ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि जो स्थिति है, जो सिचुएशन है इंडियन ओशन में, वो काफ़ी ख़तरनाक है, गंभीर है। आए दिन चाइनीज़ सबमरीन्स, चाहे वो डीजल इलेक्ट्रिक हैं या फिर वो SSBNs हैं, घुसपैठ करते रहते हैं। और कभी कभी तो बड़ा सरप्राइज़ हमें न्यूज़ मिलता है कि वो कोलंबो में उन्होंने डॉक किया है या फिर वो अचानक वो कराची पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से ये एक खतरे की घंटी है और इसके लिए हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, और उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए बात करते हैं इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट के बारे में। तो इसकी जो लेंथ है वो 70 मीटर्स की है, डिस्प्लेसमेंट इसका 700 टन्स का है, स्पीड इसकी 25 नॉट्स की है, क्रू इसमें 7 ऑफिसर्स प्लस 50 सेलर्स होंगे, और रेंज 1800 नॉटिकल माइल्स, तकरीबन 3300 किलोमीटर, और ये इक्विप्ड होगा विथ टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम, ECM, वर्टिकल लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल्स, टॉर्पीडो गन्स, हल माउंटेड सोनार, अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सैटकॉम टर्मिनल्स। तो कुल मिला के ये एक वर्ल्ड क्लास हाईटेक मिनी कॉर्बेट बनने जा रहा है फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और हम कह सकते हैं कि ये एक कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इस तरीके की जो कॉर्बेट्स होते हैं, इसके डिज़ाइंस कोई भी शिपिंग कंपनी शेयर नहीं करती, चाहे वो अमेरिकन है या फिर रशियंस हैं या फिर यूरोपियंस हैं। तो भारत में खुद ये डिज़ाइन हुआ और अब ये बन रहा है। अब बिटवीन ये दोनों जो हैं GRSE यानी गार्डन रीच एंड कोचिन शिपयार्ड, ये दोनों मिलकर बनाएंगे। इसकी जो लागत है यानी कि यूनिट कॉस्ट जो है वो 790 करोड़ है एक कॉर्बेट की, मिनी कॉर्बेट की, और इस तरीके से जो 16 कॉर्बेट्स हैं उनकी कीमत 12,622 करोड़ के लगभग होगी। इसीलिए ये काफ़ी एडवांस्ड है और बिल्कुल हाईटेक कॉर्बेट बनने वाला है। एज़ पर एग्रीमेंट जो कि 2019 को हुआ, विद इन 42 मंथ्स जो पहला कॉर्बेट है, मिनी कॉर्बेट, वो डिलीवर कर दिया जाएगा, और उसी के मुताबिक 2022 को पहला कॉर्बेट मिल जाना चाहिए इंडियन नेवी को, और इसके बाद हर साल 2 कॉर्बेट कोचिन शिपयार्ड डिलीवर करेगा और 2 कॉर्बेट गार्डन रीच, यानी 4 कॉर्बेट्स हर साल इंडियन नेवी को मिलेंगे। और इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 2022 से लेकर 2026 के बीच में ये सारे के सारे कॉर्बेट्स वो डिलीवर हो जाएंगे इंडियन नेवी को, और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये कमीशन भी हो जाएं, ताकि हिंद महासागर से लेकर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी तक इंडियन नेवी का दबदबा बना रहे और हमारा जो सर्वेलेंस है, हमारा जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।